हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और दोस्तों, ये वीडियो पूरे डे के हो गए, जो आपसे बोलते थे ना, आप रूटीन पे वीडियो बनाए पूरे दिन में क्या क्या करते हैं, उसी पे दोस्तों ये वीडियो है। और अभी हम सुबह सुबह उठे हैं तो मेरे गले में लग रहा फंसा हुआ है, अब आज भी अच्छे से नहीं जाता होगा, है ना दोस्तों। दोस्तों, आप सब बने रहिए, और जितने भी दोस्त वीडियो देख रहे हैं सभी दोस्तों को मेरे चैनल मिस्टर बिट्टू डॉट खुशी फन में आप सभी दोस्तों को दिल से वेलकम है। तो दोस्तों, आपसे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो दोस्तों, अभी तो सुबह हो चुका है, अभी हम उठ गए हैं और अभी पहले झाड़ू लगाएंगे तो आप सबको दिखाएंगे। घर में झाड़ू लगाने के बाद उसके बाद में हम क्या क्या करेंगे दिखाएंगे। तो आप सब बने रहिए। दोस्तों, मेरा झाड़ू कितना छोटा हो गया, तो पहले इसको लगाएंगे पूरे घर में। तो आप सब बने रहिए। उसके बाद दोस्तों, इसमें पानी लेकर आए हैं, गैस को फिर से लगाएंगे। और दोस्तों, वैसे जैसे कि अभी हम मम्मी पापा का खाना नहीं बना रहे, पता नहीं कुछ दिन हम बना रहे हैं, कुछ दिन और लोग बनाते हैं। दो ही लोग तो है, एक हम है एक और कोई है, तो ऐसा। तो अभी हम चूल्हे पे जब बनता था ना, तो गैया के लिए दाना बनाता था, तो गैस पे खाना बनाते थे, चूल्हे पे गैया के लिए दाना बना देते थे, तो उस पर भी बनता था, तो इसको भी लिपना पड़ता था। लेकिन अभी हम नहीं, इस पर अभी हम नहीं लिपते, क्योंकि अभी हम नहीं बना रहे हैं ना, खाना इसी पे बनता था सब लोगों के। लेकिन जो गैया के लिए दाना ही नहाता है ना, वो इस पे चूल्हे पे ही नहाता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़्यादा ही नहाता है, तो इसके लिए। और गैस पे उतना भारी इस पे बनेगा भी नहीं, तो इसके लिए। तभी हम अभी दोस्तों, बस हम अपना ओनली अकेला खाना बनाएंगे, हम अपना और बाबू का। बेबी तो अभी खाती नहीं, थोड़ी बहुत खाती है। हम पहले गैस को पोछा लगाते हैं, साफ करते हैं, उसके बाद आपको हम मिलते हैं, तो बने रहिए। तो दोस्तों, गैस को अच्छे से सब पोछा से लगा दिया है, और अभी चलते बर्तन धोने थोड़ी बहुत। तो बने रहिए दोस्तों, हम बर्तन धो कर रख लिए हैं और अभी चलते हैं दोस्तों, अभी टाइम है। और दोस्तों, जब खुद का खाना अकेला बनाते हैं ना दोस्तों, तो हम सोच रहे हैं कि स्नान करके ही बना लें, क्योंकि मम्मी पापा खाना बनाते हैं तो उन लोगों को खेत उत में जाना रहता काम करने के लिए, तो थोड़ा सा मतलब जल्दी ही सुबह में ही खाना चाहिए, तो इसके लिए पहले खाना बना के उसके बाद नहाते हैं। और सोच रहे अपना ही बनाएंगे, बाबू स्कूल जाएंगे 9 बजे से, तो मैंने सोच रही हूँ कि तब तक हम कपड़े उपड़े थोड़ा बहुत है धुलकर, और उसके बाद स्नान करके उसके बाद ही खाना बनाओ। तो अभी हम चलते हैं, कुछ कपड़े उपड़े हैं इधर पे है, देख रहे थोड़ी बहुत कपड़े बाबू का है, तो और भी तो हम लेकर आते हैं, उसके बाद धुलते हैं, उसके बाद स्नान करेंगे दोस्तों, फिर पूजा करेंगे, सॉरी पूजा नहीं करना, उसके बाद में स्नान उस्नान करके उसके बाद खाना बनाएंगे। तो तब तक के लिए आप सब बने। तो दोस्तों, अभी इस तरफ दूध रख दिए है, बनने के उबल जाएगा, थोड़ा गैस कलम एकदम सा स्लो है। और इस तरफ इसमें चावल रख दिए बनने के लिए, 2-3 सीटी लगेगा, 2 सीटी, उसके बाद 3 सीटी, उसके बाद 1 सीटी तो लग ही गया। और इसके बाद सोच रहे इसमें रख देने से क्या होता है ना, पसानों से ना वो टेंशन नहीं रहता है, एक बारी में 2 सीटी लगा उसके बाद चावल हो जाता है। तो दोस्तों, अभी बाबू का स्नान करवा के ले आए, और बाबू जाएगा स्कूल, है ना बेटा, बोला हाय दोस्तों, चाची चाची मौसी मामू लव यू, बाय बाय, माया कहते माया कहते, हाँ बने रहे दोस्तों। आप हाथ फान दे, कितना बदमाशी करता है, अच्छा बदमाशी नहीं करते ना, अच्छे बच्चे बदमाशी नहीं करते हैं, फटाफट मम्मा से बाल बनवा लेते हैं ना, उधर देखो मोबाइल में जो बेबी है ना, बहुत प्यारी है, आप लोग मामा को बदमाशी नहीं ना करते हैं ना मम्मा से, हाँ देखो अच्छे बेबी है, और इसको बाल बांधते हैं दोस्तों, बाल धोकर नहीं नहाना है, क्योंकि रोज रोज बाल धोना जरूरी थोड़ी होता है इसके लिए।
बदमाशी नहीं, बदमाशी नहीं, अच्छे बच्चे बदमाशी नहीं करते, मम्मा से बाल बंधवा लेते हैं ना बेटा, नहीं दुखाएंगे, देखो इससे कर रहे ना, कौन से बाल निकलेंगे, आपको ज़्यादा नहीं दिखेगा, ठीक। तो दोस्तों आप सब बनने रहे, लल्ला को बाल बना देते, लल्ला को रेडी करते रहे, उसको भेज देंगे, उसके बाद सब्जी बनाएंगे, अभी सब्जी नहीं बनाए क्योंकि सब्जी बाद में बना के खा लेंगे, पहले स्नान उस्नान किए ना, उसके बाद इसको 8 बजे से जाना होता है, तो लल्ला बस चावल और अच्छी से खा कर चले जाते। वैसे दिखा बेटा, वो ऐसे नहीं करो, दिखा दिखा, रबर दो बेटा, रबर था बैग किधर है आपका, उधर है, रुक जा, उठ जा लल्ला, उठ जा, इसको नहीं ना, बदमाशी नहीं करते ना, पकड़ो सैंडल आपका, अच्छे से मुंह ज्यादा नहीं बनाना पड़ता है ना, बदमाशी नहीं करते, ठीक, बदमाशी नहीं करना, ठीक, बदमाशी करोगे घर जल्दी मत आना, छुट्टी होगा कॉलेज स्कूल में, उसके बाद आना, ठीक। बोलो दोस्तों को बाय बाय, जा रहे स्कूल, बोलो बाय बाय, चाची चाची मौसी मामू, जा बेटा जा, इधर देखो मम्मा को बाय बाय बोलो, बाय, इधर देख के, हम नहीं देख रहे आपको, इधर देखो, बाय बाय, जाओ। दोस्तों बाबू चला गया स्कूल, देखो कैसे जा रहा, कैसे चल रहा है, देखो उसके चलना है, देखो ले, हम आपको जूम करके दिखा रहे, कैसे चल रहा है, देखो देखो देखो, चल गया। दोस्तों मैंने स्नान क्यों, लेकिन लग नहीं रहा है क्योंकि मैंने स्नान क्यों, बेबी को भी क्यों, पर बेबी को बाल नहीं बांधती, तब तक बेबी को ना भूख लगी थी तो उनको दूध दिया, उसके बाद लाडू रानी तो सो गई, फिर बाबू को स्नान करवाया, फिर उसको रेडी, पहले मैंने दूध उबाले है, उसके बाद चावल बना दिए, अभी सब्जी जा रहे हैं, सब्जी हाँ क्या चीज़ बनाएंगे आपको दिखाएंगे, और सब्जी का रेसिपी अलग वीडियो में जाएगा, वैसे अभी हम बनाएंगे क्या चीज़ का वो दिखा देंगे, तो अभी चलते हैं खाना बनाएंगे, उसके बाद में सबको दिखाते हैं, अभी लाडू रानी तो सो गई है, तो तब तक फटाफट हम खाना बना लेते हैं, नहीं तो लाडू रानी उठ जाती है तो बहुत ज़्यादा बदमाशी करती है, ये तो इतनी परेशान करती हैं दोस्तों, क्या ही बताएं, तो आ जाए आपसे बन रही, और दोस्तों मैं सावन से मैंने स्नान कर रही हूँ, लेकिन जो कल का लिपस्टिक रहा अभी तक नहीं छूटा, देखो लग रहा है कि मैं ऐसे नहाई ही नहीं, है ना, तो कोई ना दोस्तों आ जाए बने रही, तो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, आपसे वीडियो में बने रही, तो दोस्तों वैसे हमें पानी में रख के धुलने के लिए, और धुल के उसके बाद हम एक एक करके इसको पहले हम कट करेंगे इसमें, ठीक है, तो इसी तरह, तो आप सब इसी तरह बने रहे। तो अभी हमने कुछ कपड़े वपड़े इधर धुले हैं जो पहने हुए थे, खराब बने के सुना, और उसके बाद में सब धुल धाल में देखो पैर कैसे दिख रहे, तो अभी मिलते हैं, तो बने रहिए आप सब। तो दोस्तों बाबू स्कूल से आकर, और देखो इधर सो गया है, तो मैं बाबू के लिए बोलते हुए दूध भर के दूध दे रहे ताकि बाबू पिएंगे, और हम कुछ कपड़े उपड़े थे वो धो लिए, अभी बर्तन उर्तन धोना है घर, उनमें झाड़ू उड़ू लगाना है, अभी ये सब नहीं किया है, और कपड़े थे दोस्तों वीडियो भी शूट करते हैं तो पहने थे, तो जो पहना हुआ कपड़ा यूज़ किया हो जाता है ना, तो उसके लिए सबको धोना होना था, तो जो भी कपड़े उपड़े थे सब धुल धाल लिए है, और अभी
बाबा के लिए बोतल में इसको धुलकर अभी दूध दे देते हैं। दूध लेकर आए और अभी बर्तन भी धोना है, घर सब साफ करना है, तो तब तक के लिए आप सब बने रहिए। और उसके बाद दोस्तों अभी शाम का जो बर्तन है वो थोड़ा बहुत है, हम ले जा रहे हैं। और दोस्तों ये जा ही नहीं रहा, बार बार गिर जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे ही रख देंगे, क्योंकि एक हाथ तो मोबाइल लिए है और दूसरे हाथ में ये है, तो काम करो थोड़ा सा इशू हो रहा है। तो दोस्तों इसको हम ले जा रहे हैं, उसके बाद फिर से आएंगे तो इसको ले जाएंगे और देख सकते हैं तो देंगे धुलने के लिए। तो अभी पहले दोस्तों हम उसको भी ले आते हैं, एक इधर पर ही रहने दिए थे, अब इसको ले जाएंगे अच्छे से, फिर उसको अब जा रहे हैं फिर धुल धाल लेंगे, पहले मास्ते फिर धुल के फिर मिलते हैं, तो बने रहिए। और देख सकते हैं दोस्तों धुलकर हम रख दिए हैं, अभी चलते हैं बाबू बेबी का आपको दिखाते हैं, तो आप सब बने रहिए दोस्तों। फिर दोस्तों बाबू पर के आ गया, उसके बाद दोनों को मिट्टी उट्टी लगाया था, स्नान करवाए हैं, और बाबू बोल रहे हैं मामा गांव जाएंगे, देखो बोल रहे शर्ट पहनाओ जीन्स, इतनी गर्मी में जीन्स पहना है, बोल रहा है कि मामा के घर चलेंगे, तो बोले कि अभी नहीं अभी चलेंगे, अब इसको क्या बोले, झूठ बोले हैं कि चलना है, और है ना बेटा चलेंगे ना मामा गांव, कहाँ चलेंगे मामा से। और देखो लाडो रानी को सुला दिए हैं, दूध दूध पिए, स्नान स्नान करवाया है, उसके बाद सो गई लाडो रानी। और इधर बाबू है जो मामा गांव जाने के लिए रेडी हुआ है, बोल रहे थे हाफ पैंट और शर्ट पहनाए, तो बोल रहे थे कि नहीं फुल पहनना है, मामा के घर जाना है, जब ये पहना दिया तो खुश हो गया बड़ा। उसके बाद दोस्तों घर उर में पोछा उछा लगाया है दोस्तों, अभी क्या तो काम हो गया है, अब शाम का देखते हैं क्या क्या बनाना, फिर खाना वाना भी क्या बनाएंगे, उसके बाद अभी रूम लॉक करके हम वीडियो शूट कर रहे हैं दोस्तों, तो तब तक के लिए आप सब बने रहिए। तो दोस्तों आज है नेक्स्ट डे, और अभी हम स्नान स्नान करके आ गए, बाल भी सूख गया है, और दोस्तों उसके बाद का हम शूट नहीं कर पाए शाम में, उसके बाद हम क्या क्या किए, तो इसके लिए दोस्तों माफ़ करना, खाना में क्या क्या बनाए थे वो सब शूट नहीं कर पाए। अभी दोस्तों जा रहे हम थोड़ा सा रेडी होएंगे, क्योंकि वे स्नान स्नान कर लिए हैं और रेडी उडी नहीं हुए, बस सिंदूर लगाए, बाल थोड़ा सा अति करके, तो अभी रेडी होंगे, क्रीम उम लगाएंगे, बिंदी उंदी लगाएंगे, बाल उल बनाएंगे, अभी कुछ नहीं किया, सारा सिंपल सा है। अभी स्नान करके आए, बाल सुखा रहे थे, बाल सूख गया दोस्तों, कहा जाता है कि बाल सूख जाता है उसके बाद थोड़ा सा वो होना चाहिए, तो इसके लिए तो दोस्तों पूरे वीडियो दोस्तों एकदम से मोबाइल अपने पास लेकर वीडियो नहीं शूट कर रहे थे, किस वक्त क्या कर रहे थे, जब पोछा लगाए तो मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, मतलब शूट नहीं गया, याद नहीं आया, जब लगा कर पोछे से सब लगा उगा ले, उसके बाद जब कल पे हाथ धोने की चीज़ें ले तब याद पड़ा, तो सोच रहे कि अब क्या करें, इसलिए सोचे कि आप सबको ऐसे ही बता देंगे, तो कोई ना दोस्तों। और बाकी कपड़े उपड़े सब बहुत सारा काम होता है घर में, लेकिन उतना आदमी शूट नहीं कर पाता है, तो आप सबके डिमांड पे एक छोटा सा ये मेरा रूटीन वाला वीडियो था। और दोस्तों अभी हम आपको बता दूं कि अभी हम सब लोग का खाना नहीं बना रहे, इसके लिए थोड़ा सा कम भी काम है, क्योंकि आप देखते होंगे कभी हम ज़्यादा खाना बनाते कभी कम, तो क्या होता है 10 दिन के लिए हम बनाते हैं, 10 दिन के लिए और लोग बनाते हैं, जैसे मेरे हस्बैंड दो भाई है और उनका भी शादी हो गया, पहले वो हमसे वो बड़े हैं, तो कैसा है ना कि अभी हम 15 दिन हम खाना बनाए मम्मी पापा के लिए, तो 15 दिन वो लोग बनाएंगे ऐसा, ठीक है। तो अभी हम 15 दिन हम बनाए थे, तो 15 दिन वो लोग बनाएंगे, तो जैसे कि कल सोमवार है तो कल 8 दिन हो जाएंगे ऐसा, तो अभी 8 दिन से हम थोड़ा सा अपने लिए बनाते हैं और बेबी बाबू के लिए, अभी हम बस अपने लिए बनाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कम काम होता है, ठीक है, और कम खाना भी बनाते हैं। और कुछ उसके बाद में फिर अभी तो देखते हैं, अभी अपने मायके चले जाएंगे, तो एक महीना अगर वो बना देंगे खाना, तो एक महीना अगर हम उधर से आएंगे तो हम बनाएंगे ऐसा, ठीक है दोस्तों। तो अब तक के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों आप लोग सपोर्ट कीजिए, और आपसे बोलते हैं कि आपकी कमेंट कितनी आती है, उस पर भी हम एक ब्लॉग बनाएंगे और आप सबको दिखाएंगे दोस्तों, ज़्यादा नहीं आता है अभी, बस आप लोग प्यार आशीर्वाद दीजिए दोस्तों, आप जो भी कहते हैं हम आप सबके साथ शेयर करते हैं, तो ये भी बात करेंगे शेयर दोस्तों। और दोस्तों अगर आप सबका सपोर्ट रहा तो धीरे धीरे सब अच्छा हो जाएगा दोस्तों, दोस्तों आप सब सब कुछ ज़्यादा तो नहीं मांग रहे, बस आप सब अपने दिल में थोड़ा सा जगह दीजिए, प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। और दोस्तों एक राज की बात है कि जो एक चीज़ है जो हमने अभी नहीं बहुत पहले 2 महीने पहले है, लेकिन सीक्रेट है, तो वो चीज़ आप सबको हमने बताए थे कि दोस्तों सीक्रेट है जो हम आप सबको दिखाएंगे एकदम से, तो वो हम दिखा नहीं सकते क्योंकि मेरे हस्बैंड आएंगे तो आप सबको दिखाएंगे, जो दोस्तों आप सबको प्यार आशीर्वाद और भोलेनाथ माता रानी के आशीर्वाद और आप सबका प्यार से
और वो चीज़ हम लिए और वो चीज़ दूर में है दोस्तों, जो हम दिखा नहीं सकते। अभी थोड़े दिन में मेरे हस्बैंड आएंगे तो आप सबको दिखाएंगे दोस्तों, शेयर भी करेंगे। और आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए, मेरी वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, अच्छे से कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। दोस्तों बहुत सारे दोस्तों को सपोर्ट करते, इसके साथ साथ अपने दोस्त को भी सपोर्ट कर दिया करो यार। मैं भी उतनी अमीर नहीं हूँ दोस्तों, दो बच्चे के लेके सब काम करती हूँ, एडजस्ट करती हूँ। कुछ तो दोस्तों रहम कीजिए इस पगली खुशी राय पे, आपका ही तो दोस्त हूँ ना दोस्तों। इतनी ज़्यादा मेहनत करती फिर भी ब्लॉग शूट करती हूँ, और वो औरत की तरह घर में भी काम करती, बच्चे को भी देखती, उसके साथ साथ वीडियो भी शूट करती, ताकि वहाँ से भी 2 रुपया आए तो अच्छे से मैं बेबी बाबू को पढ़ा सकूँ, लिखा सकूँ, थोड़ी मेरी भी लाइफ में थोड़ी सा चेंजिंग हो सके, थोड़ा सा अच्छा रहे, है ना दोस्तों। तो बस आप सब अपना प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। और दोस्तों मैं कितनी भी सैड रहती हूँ तो सोचती हूँ आप सबके लिए हैप्पी होकर वीडियो बनाती हूँ, डांस करती हूँ, ताकि आप सब, मैं कितनी भी टेंशन में रहती लेकिन सोचती हूँ मेरे दोस्त आप सब अच्छे रहो, आप सबको इंटरटेनमेंट कराती हूँ ताकि आप सब हैप्पी रहो, है ना दोस्तों। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहती तभी ही बस सैड सी वीडियो बनाती, बाकी ऐसे नहीं। बहुत ज़्यादा दिल दुख जाता है, कोई कुछ बोल देता है घर में या कुछ भी, आपको तो पता है मेरा लम्बा रज है। और दूसरे नंबर जिसको लम्बा रज रहता है ना, वो कितना भी कुछ करो ना उसको कोई अच्छे नज़र से नहीं देखता, ये बात तो आपको पहले ही से पता होगा। तो वही बात है दोस्तों, और मैं जहाँ पर अपनी दिल की बात कह सकती हूँ, खुल के रह सकती हूँ, वो कोई दूसरा नहीं है दोस्तों, आप ही है। तो बस आप लोग नहीं हमें समझिएगा तो कौन समझेगा दोस्तों। तो बस इस रूटीन के साथ साथ कुछ मेरी दिल की भी बात थी। ये वीडियो कैसा लगा एक प्यार से कमेंट करके ज़रूर बताना। बोलने वाला तो कुछ भी बोलता है, बोलने के लिए क्या लगता है, एक मिनट के लिए आओ, कुछ गलत कमेंट कर दो, चले जाओ, लेकिन किसी के दिल को समझना और फिर उसे एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। लोगों के लिए तो लगता होगा बहुत अमीर है या है वाह है डिस्टेंस ऐसी है वैसी है, लेकिन कभी किसी को दिल को समझो कि हाँ उसका दिल क्या कह रहा है, सारे कितनी मजबूर में हो कि अकेले घर का काम बेबी सबको। अभी दोस्तों अगर 5 दिन अब अलग अलग हम लोग हो गए ना, 2 आदमी अलग अलग, फिर भी हम कुछ दिन हम खाना बनाते, कुछ दिन फिर भी सब होता, अगर हम भी बनाते तभी भी तो सब बेबी बाप को देखते ही है, जो घर का काम है वो तो होता ही है, उसके साथ साथ वीडियो भी शूट करें। तो दोस्तों आप सबको मेरे ब्लॉग को प्यार देना है, पूरे देखिए दोस्तों, वॉच कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। अगर आपकी एक लाइक और एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बन सकती है, अगर आपके वजह से किसी का दिल खुश होगा, किसी की ज़िंदगी में खुशी आएगी, पता है जो दूसरों की खुशी देता है ना उसको भगवान खुश देता है, पता है। तो इसीलिए क्यों ना हम लोग वो काम करें जो हम आप सबको इंटरटेनमेंट कराते हैं। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि जो छोटे यूट्यूबर है जो हमसे सपोर्ट के लिए बताए, उनके लिए हम लाइव आएंगे, सभी को सपोर्ट करेंगे दोस्तों। आप सब हमें सपोर्ट करिए, हम आप सबको सपोर्ट करेंगे। और जो अदरवाइज जो वीडियो देखते वीडियो वीडियो नहीं बनाते, उनसे रिक्वेस्ट करते दोस्तों आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना। दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसके लिए इस वीडियो को एंड करते, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत दिल से थैंक यू, धन्यवाद।